गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन द लाइन ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. हम लास्ट टू क्लासेस के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं हमने एसोसिएशन डिसोसिएशन रिएक्शन स्टडी की है. आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस करके ली जाती है. इनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अगर वो एडिशन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन, एंड अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर रिमूवल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिडक्शन नाम देते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इनको क्लासीफाई करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से, तो हमने इसे फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट हम बात करते हैं बेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जुड़ रही है या निकल रही है उसके आधार पर हम इसे बात करते हैं. अगर हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. एंड अगर किसी रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही है, इट मीन्स बाहर निकल रही है, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं. ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन. हम एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम ने ना यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन में यूज आ रहा है. यूज आने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रहा है. हम यहाँ पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड रहते हैं, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन सेपरेटली मिल रहा है. इट मीन्स यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है. सेकेंड बेसिस है इनका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एड हो रहा है या रिमूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं. तो बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता है जबकि रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन एड होता है. यहाँ पे हमने यहाँ पे जो रिएक्शन ली वो हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट निकल रहा है वो हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है. इट मीन्स यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन यहाँ पे पानी के रूप में और साथ में एलिमेंट निकल रहा है. अगर इसी तरह हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो ये एथीन लिया, एथीन को मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एड कर रही हूँ. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल वर्क एज ए कैटलिस्ट. एट द प्रेजेंट ऑफ 473 केल्विन एंड 100 एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे ये वर्क कर रहा है और एथीन में कन्वर्ट हो रहा है. इट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है इस एथीन में एड हो रहा है. थर्ड बेसिस है इनका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है या एड हो रहा है उसके आधार पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और आयोडीन एलिमेंट हमें सेपरेटली मिल रहा है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिएक्शन में एड हो रहा है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. क्लोरीन और मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन कराई तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड बना. इट मीन्स ये जो क्लोरीन है यहाँ पे रिएक्शन में यूज हो रहा है ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का. फोर टाइप है ऑक्सीडेशन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है उसके आधार पर हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं. अगर सब्सटेंस हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइन हो रहा है, इट मीन ज्वाइंट हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव है देन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम, और यहाँ पे कंबाइन होने से ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस रिडक्ट हो रहा है, इट मीन्स रिमूव हो रहा है, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. फेरस, ये फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पे जो फेरिक है इसे हम फेरिक क्लोराइड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे फेरस के ऊपर +3 पॉजिटिव 3 का साइन है, इसे हम फेरिक क्लोराइड बोलेंगे. इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पे फेरस क्लोराइड बनता है. यहाँ पे फेरस की स्टेट में यहाँ पे इसका चार्ज है वो चेंज हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ये रिमूवल हो रहा है और हाइड्रो क्लोराइड हमें मिल रहा है.
अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। अगर हमारे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इट मीन्स बाहर निकाल रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ये जो सोडियम आयन है, ये अपना आयन डिटेक्ट कर रहा है, इसे हम, ये जो सोडियम है, ये अपना आयन डिटेक्ट करके सोडियम आयन बना रहा है, इसने अपना आयन लूज कर दिया है, ये फेरिक है, ये रिडक्ट होके फेरस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये जो एलिमेंट है, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, अगर रिएक्शन में एलिमेंट आयंस और जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि इनका पावर बढ़ जाएगा और इन्हें हम रिडक्शन रिएक्शंस बोलेंगे। ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये आयन ऐड करके ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नीशियम आयन लेके यहाँ पे मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस आधार पर ये रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हमारे पास एक वर्ड आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये देखिए रेड और ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इट मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसके अंतर्गत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस सिमिलर चलते हैं, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे ये जिंक है, ये एलिमेंट लेके यहाँ पे जिंक सल्फेट बना रहा है, जबकि जो कॉपर सल्फेट है वो रिडक्शन रिएक्शन आयन को लूज करके कॉपर बना रहा है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब हम कल पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड कैटालिस्ट।